हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राकेश एंड ऑटोवाइजर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप ओला स्कूटर लेना चाहते हैं? क्या आपने इसको अभी तक रिजर्व करवाया या नहीं करवाया? सबसे पहले डिलीवरी किसको मिलेगी और महाराष्ट्र वालों के लिए एक बैड न्यूज सामने आई है, साथ ही ओला स्कूटर का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबाएं। सो गाइस, आप में से काफी सारे लोग ओला स्कूटर को लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसका जो रिजर्वेशन था वो थोड़ी टाइम के लिए अभी बंद किया हुआ था, बट इसका रिजर्वेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अब आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की वेबसाइट पर जाकर इसको रिजर्व करवा सकते हैं, जो कि 499 रुपीज़ है। यानी कि इस स्कूटर को लेने से पहले आपको 499 रुपये देकर इसको रिजर्व करवाना पड़ेगा, जिसके बाद में आप इस स्कूटर को ले सकते हैं। और जो पहले रिजर्व करवाएगा उसको ही पहले स्कूटर दिया जाएगा। वहीं ये 499 रुपीज़ रिफंडेबल है, यानी कि ये आपको पैसे वापस भी मिल जाएंगे अगर आप बीच में कैंसिल कर देते हैं। तो अभी आपको इस स्कूटर को सिर्फ रिजर्व करवाना पड़ेगा और 1 नवंबर से इसकी बुकिंग फिर से स्टार्ट होने वाली है, जहां पर आपको 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे इस स्कूटर को बुक करवाने के लिए। बुक करवाने के बाद में फिर आपको बाकी की पेमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इस स्कूटर की डिलीवरी किसको मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि फर्स्ट टाइम बुकिंग अपनी नहीं करवा पाए थे, यानी कि जो फर्स्ट स्लॉट ओपन हुआ था बुकिंग के लिए उसमें अपनी बुकिंग नहीं करवा पाए थे, जो कि काफी टाइम पहले अपनी 499 रुपीज देकर स्कूटर को रिजर्व किया हुआ था। तो 1 नवंबर को जो अब बुकिंग स्टार्ट होगी उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जिन्होंने पहले अपना स्कूटर रिजर्व करवा के रखा हुआ है। जिन्होंने बाद में करवाया है उनको बाद में बुकिंग का मैसेज लिंक आएगा, यानी कि मैसेज में जो लिंक आएगा उससे ही आप अपने स्कूटर को बुक करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों, बुकिंग करने के लिए आपको ओला इलेक्ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने मोबाइल से ही इसको बुक करना पड़ेगा। यहां पर वेबसाइट का यूज आप नहीं कर सकते, ओला ऐप से ही इसको बुक करना पड़ेगा, जो कि गूगल पर ओला स्कूटर टाइप करके फर्स्ट लिंक आता है उससे ही इनकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो आप इनकी ओला एप्लीकेशन से इसको रिजर्व भी करवा सकते हैं और वहीं से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जो भी नए कस्टमर है उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग आप रिजर्व करवा रहे हैं अपने स्कूटर को, तो आप लोगों को जो ओला स्कूटर की डिलीवरी मिलेगी वो जनवरी के बाद की ही मिलेगी, क्योंकि जो फर्स्ट स्लॉट था उसमें दिसंबर और जनवरी की पहले ही डिलीवरी बुक हो चुकी है। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट स्लॉट में अपनी बुकिंग करवाई थी उनको पहले डिलीवरी दी जाएगी, उसके बाद में ही फरवरी मार्च तक आपकी डिलीवरी होगी। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखना। और नया साल जैसे कि आएगा तो काफी सारे स्टेट में सब्सिडी के जो रूल्स हैं वो नए भी अप्लाई हो सकते हैं, तो उनको भी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करते रहना। वैसे किसी भी स्टेट में अगर सब्सिडी अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर कर दूंगा। नाउ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र वालों के लिए। तो जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और उन्होंने अपनी ओला स्कूटर को बुक करवाया हुआ है, तो उनमें से कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है और कुछ के लिए अच्छी है। अगर आप लोगों की डिलीवरी डेट दिसंबर में शो हो रही है तो आपको अर्ली बर्ड सब्सिडी मिल जाएगी, जो कि है 25,000 रुपीज़ है। वहीं अगर आपने लेट बुकिंग करवाई है या फिर नवंबर में बुकिंग करवाने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को अर्ली बर्ड सब्सिडी का फायदा नहीं मिलने वाला। अर्ली बर्ड सब्सिडी की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक की है, यानी कि जिन लोगों को दिसंबर में डिलीवरी मिलेगी उनको 25,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी, उसके बाद वालों को सिर्फ 10,000 रुपये की सब्सिडी ही मिलेगी। तो अब जितने भी ओला स्कूटर के नए कस्टमर है वो अपने स्टेट की सब्सिडी जरूर से चेक कर लें कि आपको ईवी व्हीकल पर कितनी सब्सिडी मिल रही है, तब अपना स्कूटर रिजर्व करवाएं। नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे ओला कस्टमर केयर का नंबर मांग रहे थे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाया था। तो आप में से काफी सारे लोगों के अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ओला कस्टमर केयर का नंबर मुझे दे दो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि ओला स्कूटर के लिए डायरेक्ट कस्टमर केयर नंबर कोई भी नहीं है। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर खुद से अपना नंबर और क्वेरी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिससे कि ये लोग आपको अपने आप से कॉल कर लेते हैं तो आप इनको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अब आप में से काफी सारे लोगों को पता चल गया होगा कि ओला स्कूटर का कस्टमर केयर नंबर क्या है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 25th of October टेस्ट राइड की है, तो यहाँ पर टेस्ट राइड भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी इस स्कूटर की। और जैसे ही टेस्ट राइड वगैरह स्टार्ट होती है तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर करूंगा। बाकी आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।